hi everyone, welcome to you online classes of english ncrt book class 6 a pack with the sun. today, my dear students, we shall discuss about uh, the third lesson of the book uh, a pack with the sun. the name of that lesson is the first teacher. So we shall discuss about, uh, in this uh, chapter, about a poor shepherd who used to live in Iran. Iran is the name of a country. As you know, online classes is going on, especially in this dangerous pandemic. So let's start my dear students in english classes the first treasure from the book a pack with the sun ncrt class 6 so let's start the first teacher shepherds means a person who used to graze the cattle in the field. Tiza means the place where anyone used to put his wealth or her wealth or their wealth. A poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. गाइड so first रिजर जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं यह एन सी आर टी बुक है ए पैक विद द सन जिसका तीसरा पाठ है द सिफर्स ट्रीजर जिसका हिंदी रूपांतरण होगा गरेरिये की खजानची एक पुअर एफर्ट्स अर्थात एक गरीब गरिरिया एक बार ईरान में रहता था यद्यपि वह अशिक्षित था लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था और मददगार भी था राजा ने निर्णय लिया उस देश का राजा अर्थात ईरान के राजा उस समय के हम उससे मिले बेस बदल के सो so, इन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे विस्तृत रूप से इस पाठ में सो लेट्स स्टार्ट माई डियर स्टूडेंट्स इन अ विलेज इन ईरान दे वंस लिव्ड अ सेफर्ट वॉज वेरी पुअर ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन एक गांव में ईरान में एक गांव में ईरान में अर्थात ईरान देश के एक गांव में एक बार एक गरिरिया रहता था वह बहुत गरीब था उसके पास एक छोटा सा एक छोटा सा कुटिया तक नहीं था उसमें रहने के लिए वह कभी भी विद्यालय नहीं गया था और वह कुछ न सीखा और पढ़ा और लिखा था क्योंकि वह he had never been to school or learned to read and write for there were very few schools in those days well sikhne padne or the p bhoots sare undino the poor uneducated this effort was verified. he understood people's sorrows and troubles and helped them Face the Though poor and uneducated, this effort was very wide, understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. Yet the Gariya Gari और अशिक्षित था यह गरिरिया बहुत बुद्धिमान भी था वह समझ जाता था लोगों की दुख और समस्याओं के बारे में और उनका सहायता करता था उनको सामना करने के लिए प्रेरित करता था उनकी समस्याओं से कि आप किस तरीके से अपनी समस्याओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और वह विजय आप प्राप्त कर सकते हैं साहस और कॉमन सिंस व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा मैनी पीपुल केम टू हिम फॉर एडवाइस कई लोग उस गरिरिया के पास आया करते थे उनसे सलाह लेने के लिए मशविरा लेने के लिए सुनी बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर शीघ्र वह प्रसिद्ध हो गया अपनी ज्ञान एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए पूरे राज्य में पूरे देश में द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम उस देश के राजा ने सुना उसके बारे में और उससे मिलने की इच्छा जाहिर किया सोचा डिस्गाइज एज अ सेफर्ट एंड राइडिंग ऑन म्यूल वन डिज द किंग कैम टू दैम वेयर द वाइज लिप्ट आप को डिस्काइज एज अ सेफर्ड गेरिए के रूप में अपना वेश बदल के और एक म्यूल म्यूल इज अ काइंड ऑफ डंकी एक म्यूल पे अर्थात खच्चर की प्रजाति के रूप में है म्यूल उस पर सवार होकर के एक दिन राजा आया उस गुफे के पास जहाँ वह बुद्धिमान गरेरिया रहा करता था एसन एज दिफर्ड्स ऑफ द ट्रैवलिंग ट्रेवलर कमिंग टूअर्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम जैसे ही गरेरिया ने देखा राहगीर को आते हुए गुफा की ओ ही रोज टू वेलकम हिम वह उठ खड़ा हुआ उसके स्वागत करने के लिए ही टुक द टायर्ड inside the द केव गैव water वॉटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज own मीग meal। वह थके हुए राहगीर को ले गया अपने गुफा के भीतर उसे कुछ पानी दिया पीने के लिए और अपने थोड़े से बचे भोजन के हिस्सा खाने के लिए उस के कुटिया में जो थोड़ा सा भोजन था वो भोजन खाने के लिए दिया उस राहगीर को और वह राहगीर कौन था वह देश का राजा था जो वेश बदल के गरेरिया के रूप में आया था और पीने के लिए पानी दिया द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इंप्रेस बाय द सिफोर्स हॉस्प टैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन राजा आराम किया रात भर उसके गुफा में और बहुत ही कृतज्ञतापूर्वक बहुत बड़ी उस गरेरिया के मेहमानबाजी के द्वारा प्रभावित हुआ था और उसके बुद्धिमानी भरी वार्तालाप से उसके रात में रहने के बाद राजा को बहुत बुद्धिमानी भरी वाली बात सुननी पड़ी और उसकी जो मेहमानबाजी थी इतना प्रभावित किया कि राजा बहुत गदगद हो गया द सपोर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजट वॉज नन अदर दैन द किंग वह ग्रेरिया पता करने में सक्षम हो गया था कि यह जो आगंतुक हैं यह कोई और नहीं बल्कि राजा थे किंग मेट द वाइज सिफर्ट गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक राजा ने एक छोटे से जिला का गवर्नर बना दिया उस सिफर्ट को अ द गवर्नर्स जिलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कोल्ड हिम डिज ऑनेस्ट दूसरे गवर्नर्स नए गवर्नर से काफी ईर्ष्या करने लगे और उन्हें बेईमान कहने लगे दो स्टील टायर्ट द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग अभी जो मैंने उपरुक्त आप जो तीन पॉइंट्स देख रहे हैं उन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम विस्तृत रूप से अब चर्चा करेंगे यद्यपि थका हुआ अभी भी थका हुआ राजा निर्णय लिया कि अगले सुबह वह यहाँ से चले जाएंगे राजा थके हुए थे अभी भी थके हुए थे लेकिन फिर भी उन्होंने निर्णय लिया नहीं कि अब हम गरिरिया के गुफा से चले जाएंगे He said, "Many मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू poor ट्रेवलर उन्होंने कहा हे hey, बुद्धिमान व्यक्ति आपको कोटि कोटि धन्यवाद दयालुता दिखलाने के लिए इस गरीब लाचार बेसहारा राहगीर पर अ लॉन्ग वे टू गो परमिट मी टू लीव मुझे बहुत दूर जाना है इसलिए मुझे जाने की आदेश दें लुकिंग ए स्टेट इन टू द guest, ऑफ हिज replied, द you, रिप्लाई थैंक यू यू me फॉर पेइंग कॉम्प्लीमेंट a visit." राजा के आंखों में सीधे आंखों में देखते हुए वह बुद्धिमान गरिडिया ने कहा कि हे hey, महाराज आपको कोटी कोटि धन्यवाद नमन और पूर्वक आपका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे यह सौभाग्य दिया आपकी सेवा करने के लिए दे किंग राजा आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ वो काफी प्रसन्न हुआ कि आखिर मैं एक ऐसे वेश में आया था जिसे पहचान पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा था लेकिन यह बुद्धिमान व्यक्ति मुझे पहचान लिया पहचाना ही नहीं बल्कि मुझे अच्छी तरह से जान गया मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ वेरी वाइज राजा ने सोचा कि यह गरेरिया वास्तव में बहुत बुद्धिमान है He himself, ये बात वो स्वयं से सोचे राजा एन इट पीपल आई खेम टू वर्क फॉर मी मुझे इसी तरह के आदमी की आवश्यकता है जो मेरे लिए काम करें द किंग अपॉइंटेड हम्बल सेफर्ट दिस हम्बल सेफर्ट द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट और राजा ने इस विनम्र गेरिया को नियुक्त कर दिया एक छोटे से जिला के गवर्नर के रूप में ऑल द ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द सेफर रिमाइंड एज हम एज इवर यद्यपि वह गरिरिया अपनी शासन व्यवस्था अपनी कुशल नेतृत्व अपनी गौरव को पूरी परचम की तरह लहरा दिया पूरे देश में लेकिन वह गरिररिया फिर भी विनम्र के रूप में ही रहा विनम्रता से ही रहा थोड़ी सी भी अहम और ईगो उसके अंदर नहीं आया पीपुल लव एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम सिंपाथी एंड गुडनेस लोग पसंद करते थे सम्मान देते थे उसे उसकी ज्ञान सहानुभूति और अच्छाई के लिए खान जस्ट वन एंड ओल्ड वह काफ़ी दयालु था एक नहीं बल्कि सबों के लिए हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सुन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री उसकी ख्याति एक कुशल पारदर्शी एवं ज्ञानी गवर्नर के रूप में शीघ्र ही फैल गया पूरे देश में न द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेज ग्रूट ऑफ हिम एंड बिगन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम अब अन्य प्रांतों के जो गवर्नर थे अन्य जिलों के जो गवर्नर थे वह बहुत ही डरे हुए थे और उससे क्या करने लगे बहुत ही भयानक रूप से ईर्ष्या करने लगे और बातें करने लगे राजा के पास उसके खिलाफ दे सेड ही इज वेरी Dishonest एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल वे लोग अन्य जो गवर्नर थे वे उस नए गवर्नर अर्थात सेफर्ड के बारे में राजा को कहते थे कि देखिए वह बहुत बेईमान है वो जो है खुद रख लेता है पैसा का कुछ हिस्सा जो वह कर के रूप में वसूलता है लोगों से वाइड ऑलवेज कैरी विद हीट एन एरन चेस्ट क्यों वह हमेशा अपने साथ एक लोहे का संदूक छोटा सा बक्सा रखे रखता है Perhaps he carried in इन the द that दैट ही secretly collected after all. शायद वह इसमें खजाने के रूप में रखे हुए पैसा रखता है जो वह गुप्त रूप से संग्रह करके रखे हुए रहता था अटॉल दे सेट मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड एंड कुड बी हैव नो बेटर कुल मिला के वे एक uh, मजाक अंदाज में खिल्ली उड़ाने के अंदाज में अर्थात उपहास करने के अंदाज में वे गवर्नर ने कहा सिफ़र्ड गवर्नर के बारे में न्यू गवर्नर के बारे में कि वह एक साधारण गरिरिया ही तो था जिसे आपने एक छोटे से जिले का बना दिया गवर्नर और जिसपे हम बेहद और बेहतर तरीके से व्यवहार करने की कल्पना नहीं कर सकते हैं द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस वह नए गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया गवर्नर में यहाँ पे राज्यपाल भी होता है या यू कहें तो हम इसको कह सकते हैं कि यह एक शासक के रूप में भी तो उस नए शासक को महल में बुलाया गया था वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट और उसे आदेश दिया गया कि आप ये मुझे बताएं कि आप हमेशा एक लोहे की संदूक क्यों लिए चलते हैं अपने साथ द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर लेकिन उसके संदूक में न कोई सोना और न कोई चांदी मालूम पड़ा कि था उसमें एटफर्स द किंग डि नॉट पे अटेंसन टू दिज रिपोर्ट बट हाल व ही इग्नोर दिज गवर्नर्स एंड देर एंडलस स्टोरीज द सेफ हट सर्वप्रथम राजा के पास जब वे उनके पहले वाले जो गवर्नर थे पुराने गवर्नर थे वह शिकायत करते थे तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया करते थे लेकिन आखिर राजा तो राजा हैं कितने दिनों तक वह इग्नोर कर दे नज़रअंदाज करते इन गवर्नरों की बातों को शिकायतों को जो खास करके किया करते थे सेफर्ड अर्थात न्यू गवर्नर के बारे में और उनकी जो अनंत कहानियां हैं उसको उन गरिया के बारे में वन थिंग वज सर्टेन द थिंग डिस्कवर्ड लेकिन एक चीज राजा ने पाया कि सचमुच में सचमुच में गेरिया अर्थात वह सेफर्ट एक आयरन चेस्ट हमेशा अपने साथ ले कर घूमते रहता है द न्यू गवन डिड नॉट कैरी डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद ही टाइम द न्यू गवनर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद द हिम ओल्ड टाइम So one day the new governor was summoned to the palace Us Governor to the palace. He came riding on his camel and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. He came और सभी दरबारी मंत्रीगण गवर्नर उत्साहित थे उस प्रसिद्ध लोहे के संदूक के बारे में जानने के लिए जो वह बांधे हुए था सिक्योरली बहुत ही गोपनीय तरीके से अपने ऊँट के पीठ पर पीछे न द किंग वज एंग्री राजा बहुत क्रोधित था भी Hey why do you always carry that with you? गर्जा, जोर से गुस्सा करके बोला कि क्यों तुम हमेशा उस लोहे के संदूक को अपने साथ रखते हो वट अज इट कंटे इसमें क्या है द गवर स्माइल इस बात को सुन के गवर्नर अर्थात सेफर्ड He asked his servant to bring in द चेस्ट उसने अपने नौकर से कहा कि उस संदूक ला हाई गर्ल द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेट इड फॉर द सेफर्ड टू बी फाउंड आउट कितनी पूर्वक वहां लोग इकट्ठे हुए खड़े थे इंतजार कर रहे थे चारों तरफ घेरे हुए उस ग्रेरिया को कि आखिर इस में क्या है इसमें क्या है संदूक में आयरन चेस्ट में ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुकतापूर्वक गरेरिया के चारों ओर घेरे हुए खड़े थे बट हाउ ग्रेट वॉज द एस्टोनिशमेंट लेकिन कितनी बड़ी उनकी यह आश्चर्य थी अर्थात उन लोगों की आश्चर्य थी जो घेरे हुए गरिरिया के थे आयरन चेस्ट के अंदर क्या है इसके बारे में जानने के लिए इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ वन द चेस्ट वॉज ओपन यहाँ तक कि राजा भी काफी स्वयं में उत्साहित थे देखने के लिए कि आखिर उस आयरन चेस्ट में है क्या जब वह आयरन चेस्ट खुला अर्थात लोहे के संदूक को खोला गया नो गोल्ड सिल्वर और ज्वेल्स एन ओल्ड ब्लैंक इट वॉज ओल्ड दैट केम आउट न कोई सोना न कोई चांदी सिर्फ उसमें से एक फटा सा कंबल निकला जो बाहर आया निकाला गया होल्डिंग इट प्राउडली द दिफर से दिस इज माई डियर मास्टर इज माई ओनली टीचर इसे ऊपर पकड़ के पकड़ते हुए और सेफर ने कहा बहुत ही गौरव से यही मेरी संपत्ति है खजाना है मेरे प्रिय मालिक आई ओल वेज कैरी इट विद मी जो मैं इससे अपने साथ हमेशा रखता हूँ बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंक विद यू राजा ने पूछा लेकिन तुम क्यों ऐसे साधारण फटे पुरान कंबल को अपने साथ धोए चलते हो सोले यू गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट निश्चित रूप से निसंदेह तुम एक जिला के गवर्नर हो और फिर तुम एक फूट फटे पुरान कंबल ढोए हुए चलते हुए आर्यन चेस्ट में राजा ने पूछा इस बात को टू विज द सेफर्ट फ्लाइट विथ क्वाइट डिग्निटी इस पर घरे उत्तर दिया बहुत ही शांत भाव से विनम्र भाव से दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड यह कम्बल मेरा सबसे पुराना दोस्त है इट बिल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम यू मै जस्ट इड विवे माई न्यूक्लोक्स यह मुझे सहायता करेगा यदि हमेशा हे महाराज मेरी इच्छा हो कि मैं अपनी नई क्लॉक्स अर्थात कपड़ों को उतारू हाउ प्लीज द किंग वर्ड्स एंड हाउ इम्ब्रेस्ट द जीलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई काफी प्रसन्न हुए राजा लेकिन उतने ही दुखी हुए उनके उनकेशु गवर्नर जो सुने इस बुद्धिमान व्यक्ति के जवाब को न्यू द दैट वाज द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड अब वे सभी अर्थात पुराने गवर्नर भी और राजा भी और अन्य प्रजा भी यह जान गए कि सेफर्ड सचमुच में सबसे विनम्र और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था इस देश में द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिग डिस्ट्रिक्ट दैट एवरी डे और राजा उसी दिन उस फर्ड को एक छोटे से जिले से हटा के एक बड़ा सा जिले का गवर्नर बना दिया दैट्स ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड ऑफ दिस चैप्टर आई होप यू विल हियर इट वेरी केयरफुली एंड Watch it very uh, eagerly, and uh, I hope that uh, you will understand about this chapter. Thanks a lot, my dear students. Have a nice day.